अच्छी लग गई सासों ने खा के। मिर्च है काफी तेज है चटनी में। कारगी चौक देहरादून का, और इस तरफ को हरिद्वार और ऋषिकेश का रास्ता है, रिस्वना पुल। इस तरफ को अगर आप देखोगे तो ISBT देहरादून और फर्दर सहारनपुर दिल्ली का रास्ता है, और सामने हम जा रहे हैं दुधली की तरफ। वहां पे आगे दुधली है और वहां पे हम खाएंगे साफोले और मोमोज, देहरादून के वन ऑफ द बेस्ट। तो ये हमने डलवा लिया है पेट्रोल 1820 रुपए का, और हमने टैंक फुल नहीं करवाया जानबूझ के, क्योंकि हमने सुना है कि ये लोग ट्रिक करते हैं और राउंड फिगर में कुछ एक ऊपर नीचे कर लेते हैं अपनी मशीन में। सो हमेशा आप भी डलवाएं तो ऐसे अनइवन डिजिट्स में डलवाएं, 100, 500, ये यूजुअल है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रिक करने के। तो कितने का डलवाएं? 1510, 502 रुपए, लाइक दैट। और हाँ, जब वो नॉक डाले तो उसको बोलो कि छोड़ दो, वो पकड़ के रखते हैं तो कुछ कुछ करते रहते हैं टिकट। जब वो मीटर पे पहले बता देता है, जब वो हाथ रखता है ना उस पे ट्रिगर पे, तो जैसे मीटर पे 1820 बता देगा तो एकदम से उसको बंद कर देता है, तो हो सकता है कि उसमें वो कुछ ट्रिक करता हो, जल्दी बंद कर देता हो ऐसे पेट्रोल बचाने की या फिर ऐसे कुछ करके सेव करने की, मुझे लगता है ऐसे। बाकी करप्शन तो है ही इंडिया में। तो विवेक ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे देहरादून जाके मोमोज जरूर खिलाएंगे। मास्क तो नीचे कर लो। तो आज मतलब प्रॉमिस पूरा हो रहा है। मैं फॉलो कर रही हूँ गवर्नमेंट के रूल्स। स्ट्रीट के पास, और यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ है, कितने ग्रीन और साफ लग रहे हैं ये बरसात के बाद, मुझे लगता है गेस। तो हम खाएंगे साफोले और व्यू भी देखेंगे और मोमोज भी। विवेक जी ले आए हैं मोमोज और साफोले पैक करा के, क्योंकि कोविड है तो हम इसको खाएंगे आके जाके। देहरादून में बेसिकली काफ़ी नेपाली लोग बसे हुए हैं, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1800 के आसपास नेपाल ने भारत पर उत्तराखंड वाले हिस्से पर अटैक किया था, और काफ़ी बड़ा हिस्सा नेपाल के राजा के अंडर में आ गया था। तो लगभग 15 साल 1815 तक, जब तक अंग्रेज़ों ने वापस नेपालियों से लड़ाई करके देहरादून में नेपालियों को हरा के फिर उनको ये एरिया पूरा जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी में आ गया था। सो तब तक जो है 15 साल यहाँ पर एक तरह से नेपाल का राज रहा, और उस दौरान भी काफ़ी नेपाली लोग यहाँ देहरादून में बस गए। तो आउटस्कर्ट में अगर आप जाएंगे देहरादून के, तो बहुत सारे नेपाली लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोग जब तिब्बत को चाइना ने एक तरह से
उस पर अटैक करके उसको हड़प लिया, तो बहुत सारे तिब्बती लोग भी यहाँ देहरादून में बसे हुए हैं। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो धर्मशाला के बाद उत्तराखंड में देहरादून एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर काफ़ी तिब्बती लोग आकर बसे हुए हैं। भाई ये है साफोले, इसे कहते हैं साफोले, और आई थिंक ये मैदे का ही बनता है। इन्होंने इसके अंदर किसी तरह की फिलिंग की हुई है जिसमें कि प्याज दिख जाएगा आपको, और आई थिंक जो मोमो के अंदर सोया चंक्स डाले जाते हैं वही इसमें भी यूज़ हुआ है, पर इसको इन्होंने फ्राई किया हुआ है। तो इसको साफोले को आप लार्ज मोमो बोल लो, मेरे मुँह में तो बिल्कुल पानी आ रहा है भाई। तो चलो मैं खा के दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ कि इसमें टेस्ट कैसा है। दरअसल ये हार्ड, टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड, पर मेरा फेवरेट मोमो है। निशा को बहुत पसंद आया था, विजय से आई थिंक पूछना चाहिए हमें कि उसको कैसा लग रहा है। मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। इसमें बहुत सारी मिर्च दिख रही है, है? दिख रहा है बहुत सारी मिर्च है। मिर्च वाली चटनी, भाई मिर्च ना हो तो मजा क्या आएगा उसमें, मिर्च खूब होनी चाहिए चटनी में। अच्छा है, एक बार ट्राई करना बनता है। निशा तुम खा के बताओ। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ और फिर खाती हूँ इसको। नहीं खा के बताओ, वीडियो में रिएक्शन बताओ अपना। A few moments later. टॉफी नहीं हुई। क्या हुआ निशा? Please. क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक पे क्या और मिर्च लगी? तुमने क्या किया लेकिन, ऐसा क्यों मिर्च लगी इतनी? क्या किया तुमने लास्ट में? चटनी खाई अकेले से? चटनी मिर्च वाली सोया चंक था तो मैंने वो टेस्ट किया चटनी में, ऐसे लगा के अलग से, तो और उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली तो थोड़ा मीठा मीठा। कोई टॉफी है? मिर्च लग गई साफोले खा के, जब मिर्च है काफी तेज है चटनी में। पसीना। तो यार धुआं निकलने वाला है कानों से, निकलने वाला है भाई। तेरे को देख के तो लग रहा है खूब सारा धुआं निकल चुका है। तो मजा तब भी आता है जब मिर्च लगती है। बात तो सही है, टेस्ट में बेस्ट। चलो भाई अब बताते हैं हम मोमो खा के आपको। वो तो डेफिनेटली बेटर है, मतलब मेरे को ज्यादा पसंद है। मुझे मोमो खा के बता। डाल के फिर बताता हूँ। बढ़िया, अच्छे, गुड। चलो निशा तुम बताओ मोमोज कैसे हैं? रेट करना हाँ, आउट ऑफ 5। टेन आउट ऑफ 5, कुछ ज्यादा ही हो गया ये। इतनी तो मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट को भी नहीं मिलती है, बट हाँ मोमोज अच्छे हैं। मैं कहूँगा 4 out of 5 तो हैं, 4.5 out of 5 बोल सकते हैं आप। गरम गरम खाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। बट थापा के यहाँ बैठने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट नहीं रहता, बहुत सारे भीड़ रहती है, लोग खड़े रहते हैं, तो इसलिए। और आजकल कोविड में तो वैसे भी हम लोगों के बीच में नहीं घुसना चाहते थे, बट आई वुड से 4.5 out of 5 मैं इन मोमोज को दूंगा। यस, आई वुड गिव 4.5 out of 5।